चौबेपुर के बिकरू गांव में शिवराजपुर बिठूर और चौबेपुर से पुलिस फोर्स लेकर आधी रात सीओ बिल्होर के दबिश देने की भनक शायद हिस्ट्री सीटर विकास दुबे को पहले से लग गई थी। पुलिस जवानों की माने तो रात में बीच रास्ते पर जेसीबी खड़ी कर दी गई थी। इससे साफ है कि पुलिस दबिश की जानकारी पहले से हो गई थी। यही वजह रही कि पुलिस के पहुंचते ही फायरिंग शुरू हो गई। सीओ दरोगा व सिपाहियों को जिस तरह मारा गया उसे प्रतीत हो रहा है कि पहले से ही पूरी तैयारी कर ली गई थी। गांव में सर्च ऑपरेशन करके पुलिस हमलावरों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। बताया गया है कि इस वर्ष होली में हिस्ट्री सीटर विकास दुबे और गांव के बीनू तिवारी के बीच भिड़ंत हो गई थी। दोनों पक्षों के बीच कई राउंड फायरिंग होने से गांव में दहशत का माहौल बन गया था। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमे दर्ज किए थे। हिस्ट्री सीटर विकास दुबे के खिलाफ भी हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस घटना में विकास दुबे फरार हो गए थे। हालांकि कई अन्य मामलों में पुलिस वांछित विकास दुबे की तलाश कर रही थी। वही पुलिस को सूचना मिली कि पिंटू हत्याकांड में शामिल शूटर भी विकास दुबे के घर में पना लिए हुए हैं। इसी सूचना पर बिठूर चौबेपुर और शिवराजपुर थाना क्षेत्रों की फोर्स लेकर बिल्होर सीओ देवेंद्र मिश्रा रात में दबिश देने गांव गए हुए थे।